अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। नाश्ता करने के बाद मैंने खाना बनाने के लिए सब्ज़ी लेने जाना था, तो उससे पहले मैं पार्क आ गई हूँ यहाँ। यहाँ पर मैं थोड़ी लगाऊंगी चक्कर राउंड इस ट्रैक के, तकरीबन 4 से 5 और फिर सनलाइट लगवाऊंगी का। और अभी मैं पार्क के अंदर आ गई हूँ, यहाँ पर मैं बैठूँगी। एज अ हाउस वाइफ यहाँ पर हम कहीं इतना दिन के टाइम पार्क जाते नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से हमें यहाँ पर सनलाइट लगवानी चाहिए, बिकॉज फिर विटामिन डी की काफ़ी कमी हो जाती है। सनलाइट लगवाने के लिए ये है कि आप अपना फेस वगैरह कवर रख कर रहें, सनग्लासेस लाजमन पहनें, इसी तरह किसी भी ट्रैक पर आप वॉक कर लें, देन आप बैठ कर थोड़ी देर सनलाइट लगवा लें। सब्जी मैं ले आई थी और अभी मैं बना रही हूँ बैंगन। सबसे पहले मैंने 2 प्याज काट के डाले हैं, इनका कलर ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इनको लाइट ब्राउन सा करना है, और साथ ही इसमें टमाटर डाल देंगे। प्याज हमारा डन हो चुका है, अब इसमें हम 4 टमाटर मैंने काटे हुए थे वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करें और फिर इसमें मसाले डाल दें। हसबे जायका 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, हसबे जायका नमक शामिल कर लें। अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाला जब ये अच्छा सा रेडी हो जाएगा, टमाटर और प्याज गल जाएंगे, तो हमने इसमें अपने बैंगन ऐड कर, फिर हमने इसमें बैंगन 1/2 कप पानी डाला है मैंने इसमें, और अब मैं इसको हल्की हीट पे कर दूंगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब इसमें हम बैंगन डालेंगे। इनकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। एक 2 सब्ज़ मिर्ची शामिल कर लेंगे, 1/2 कप पानी शामिल करके 1-2 बड़े उबाले आने देंगे, और उसके बाद हम बिल्कुल इसको हल्की आंच पर कर देंगे ताकि बैंगन गल जाए। अब हम इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पर पकने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और बिल्कुल हमारे बैंगन रेडी हो जाएंगे। बैंगन हमारे रेडी हो चुके हैं, सफाई भी मैंने कर ली, और अभी कपड़े धोए थे वो डाले हैं। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें।